हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। लगता है आप अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। वैसे तो वैकेंसी तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आपको हमेशा व्यस्त ही रहना है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी वैकेंसी आ जाए। ऐसा नहीं कि समय हमारे पास में कम पड़ जाए और वो वैकेंसी हमारे हाथ से निकल जाए, ऐसे मत होने देना है। देखिए, अपन आज विशेषकर बात करें रिट, जो ग्रेड थर्ड वैकेंसी है, जिसमें L1 एवं L2 दोनों शामिल है। इन दोनों की अपन बात करते हैं कि ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, कब तक ये वैकेंसी आने की पूर्णतः संभावना जताई जा सकती है। दूसरी बात, बच्चों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज ये है कि जो लग गई है वो तो ठीक है, लग गई उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं लगी इस वैकेंसी के अंदर वो कन्फ्यूज में इस प्रकार से है कि वो सोच रहे कि तैयारी करूँ तो कौन से पेपर की करूँ, पेपर फर्स्ट की तैयारी करूँ या फिर पेपर सेकंड की तैयारी करूँ। ऐसे उनके उनके सामने समस्याएं आ रही है। वो सोच रहे, डाउट में है कि मैं कौन से किसकी तैयारी करूँ, पेपर एक होगा या दो होगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मैं जो राय बताऊँगा वो सटीक बताऊँगा, इस बेस पर आपको तैयारी है। पेपर दो ही होगा, पेपर एक नहीं होगा। पेपर कितने होंगे? पेपर दो ही होगा। पेपर दो क्यों होगा? देखिए, सपोज कीजिए 2021 का हमारा रिट का पेपर हुआ था। कब? 2021 में रिट प्री का पेपर हुआ। एक बार आप ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं करना है। 2021 में जो रिट का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर आपने एक बात देखी होगी कि जो जनरल कट ऑफ थी वो 133 थी। पता था ना, पता था ना, यानी जनरली की जो कट ऑफ थी 133 थी रिट प्री के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 133 से जो ऊपर जो विद्यार्थी थे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अभी रिट करवा दे, ठीक है, अगर अभी करंट में रिट करवा दे, तो इसका मतलब 133 से नीचे 132 वाले बंदे, 131 वाले, 125 वाले बंदे बैठे हैं ना अभी तक, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना। अगर उनका दूसरी वैकेंसी में हो गया तो हो गया, लेकिन प्री में नंबर आने से कोई मायने नहीं रखता। अगर 22 में जो 23 में जो अभी भर्ती हुई थी रिट की, उन्होंने इसमें अगर अच्छा स्कोर किया है, मेंस निकाल दिया आराम से, वो तो क्लियर है। लेकिन जो प्री के अंदर पिछली बार 21 में 133 125 नंबर लेके आए, तो वो तो अभी बैठे ने। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर भजन लाल चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर वन के आधार पर बच्चों क्या देनी है, ज्वाइनिंग देनी है, इनके आधार पर क्या करनी है, इनकी पोस्टिंग करनी है, तो ऐसा असंभव है। ऐसा वो इसलिए है क्योंकि जो 21 में जो 22 में पेपर करवाया रेट प्री का, उसकी जो अवधि थी वो लाइफ टाइम कर देगी। क्या? उसकी जो अवधि थी वो लाइफ टाइम कर देगी। तो लाइफ टाइम करने का मतलब, वो तो उनके पास में जो सर्टिफिकेट प्री का है वो तो उनके सामने लास्ट लाइफ टाइम से लेगा उस बंदू के पास में। अगर हम आज तैयारी कर रहे हैं, नया विद्यार्थी वो आज तैयारी कर रहा है, तो इनसे जो पहले जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उनके तो लाइफ टाइम तक वो हो गया काम। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें आपको बस दोनों ही बात समझ में लेनी है कि पेपर दोनों ही होंगे। पेपर प्री का भी होगा, प्री का पता होगा वही 150 सवाल, 150 150 सवाल, और मेंस का पेपर होगा। ठीक है, 150 नंबर का ये पेपर होगा और जो मेंस का है वो 300 नंबर का पेपर होगा। आपकी जो मेरिट का बेस है ये और प्लस डॉक्यूमेंट रहेंगे। ठीक है, मेरिट का जो बेस है ना, जो आप मेंस और ये रहेगा। ठीक है, प्री एग्ज़ाम आपको देना ही होगा, चाहे कौन सी भी सरकार है, चाहे भजन लाल आए, चाहे जादूगर आए। ठीक, प्री का एग्ज़ाम तो करवाना ही पड़ेगा। क्यों? कि प्री का एग्ज़ाम अभी बताया मैंने, प्री का एग्ज़ाम नहीं करवाया गया तो नए जो विद्यार्थी आएंगे, नए जो विद्यार्थी तैयारी करेंगे, वो कब 133 नंबर लाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना। तो ऐसी स्थिति है कि 133 से पहले तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि राजस्थान में BSTC के 2 लाख विद्यार्थी है। कितने हैं? जिन्होंने जिनके नंबर 120 प्लस प्री के अंदर है, आप अनुमान नहीं लगा सकते, फिर भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो 120 वाले तो पहले वो सीटें भर लेंगे 2 लाख में से। 2 लाख में अगर छटनी की जाए तो लाख में लाख या 50,000 ऐसे विद्यार्थी है जिनके नंबर 130 प्लस है प्री के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि प्री के साथ साथ मेंस का एग्जाम इंपॉर्टेंट होगा। प्री का कोई मायने नहीं होगा, प्री ओनली फॉर क्वालिफाइड नेचर का एग्जाम होगा। ठीक है, ये बात है, इसमें आपको 90 सवाल सही करने हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा? ठीक है, सिलेबस में परिवर्तन की बात करते हैं तो हाँ भाई, मैं मान सकता हूँ कि सिलेबस के अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन्होंने कुछ जो बोर्ड के पेपर हुए थे उसका पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसे कि पशु परिचर है, इनसे पहले जो भी जो RPSC वो भी परिवर्तन कर रही है थोड़ा थोड़ा सिलेबस के अंदर। लेकिन ये तो जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये हमेशा पेपर चेंज करता है, सिलेबस चेंज करता है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि 2018 के अंदर जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसका जो पैटर्न, पेपर का जो पैटर्न था, उस समय तो सरकारी परिवर्तन नहीं होती, फिर भी उसका पैटर्न बदला था। क्यों बदला था? मैंने भी 2018 का जो लैब असिस्टेंट का पेपर दिया है, उसमें 35 सवाल किसके थे? फिजिक्स के थे, और 35 सवाल किसके थे? केमिस्ट्री के थे, और 30 सवाल किसके थे? बायोलॉजी के थे, और बाकी 50 सवाल किसके थे? वो राजस्थान GK के थे।
ऐसे मिलाकर 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, और उसी के बेस पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के जो विद्यार्थी थे, जो सफल विद्यार्थी, उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। लेकिन 2022 में क्या हुआ, 2022 में जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ, उसमें एक सामान्य ज्ञान का जीके वाला 100 नंबर का पेपर कर दिया, 100 सवाल का जीके वाला पेपर कर दिया। इसके बाद में 200 नंबर का जो अलग है वो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार बदलेगी तो सिलेबस ही बदलेगा, नहीं, ये डिपेंड करेगा उस जो संस्था है ना, जो पेपर करवा रही है, जो जो बोर्ड है, जो डिपार्टमेंट है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो मेरे ख्याल से एक बात का अनुमान लगा लीजिए कि जो पेपर फर्स्ट है प्री वाला, ये कौन करवाती है, पेपर जो फर्स्ट है प्री वाला, ये पेपर करवाती है आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो इसमें से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पेपर दो है मेंस वाला, इसमें कर्मचारी बोर्ड RSMMG अधीनस्थ बोर्ड इसमें क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, लगभग 60% संभावना मान सकते हैं आप इसे, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, पेपरों की बात होगी कन्फर्म। इसके बाद में कब तक प्री का एग्जाम करवाया जाएगा, जहाँ तक मेरी अनुमान लग रहा है कि अभी रिव्यू हो रहा है। मदन दिलावर ने एक जो इंग्लिश मीडियम विद्यालय है उनका भी व्यू दिया है। इसके अलावा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो भी भर्ती हुई है पहले से, उनकी 100 दिन की एक रणनीति बनाई है, ठीक है। भजन लाल ने 100 दिन की रणनीति बनाई है कि 100 दिन के बाद में बताए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पद खाली है, हम उसके अनुसार क्या करेंगे, वैकेंसी करवाएंगे। तो 100 दिन मतलब कि लगभग मान लीजिए अप्रैल मान लीजिए, इसका मतलब क्या है कि अप्रैल में भर्तियों का पिटारा शुरू हो जाएगा रिट में। तो रिट में L1 के अंदर सपोज करिए समथिंग 15,000 पद खाली है, तो मिनिमम अगर पोस्ट आएगी तो 10,000 प्लस पोस्ट आएगी, ठीक है। दूसरी बात L2 की बात करते हैं, तो L2 में 14,000 समथिंग पद खाली है करंट के अंदर, तो कन्फर्म मान लीजिए कि 13-14,000 की वैकेंसी इसमें आएगी। कुल मिलाकर 25,000 तक की L1 L2 की कुल मिलाकर एक वैकेंसी इसी साल आपको देखने को मिल जाएगी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, आपको तैयारी करनी है, जितना मेंस पढ़ते हो उतना प्री को पढ़ना है, पता नहीं कब क्या हो जाए, ठीक है। मेंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस में कुछ परिवर्तन हो गए, मेंस के सिलेबस में परिवर्तन और भी संभावनाएं हैं, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। धारदार तरीके से, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, आराम से, था उसे धैर्य के साथ अपनी तैयारी को अंतिम पड़ाव तक ले जाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी इस साल सिलेक्शन हो, जिस प्रकार से 2023 हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुई, उसी प्रकार से 2024 का जो पल है वो आपके लिए यादगार साबित हो, जो हमेशा के हमेशा लिए आपके लिए अग्रणी साबित हो। थैंक यू।